दोस्तों, डिप्रेशन आज के समय में एक ऐसी गंभीर बीमारी बन चुकी है जिस पर ध्यान ना दिया जाए तो यह लोगों को बड़ी ही आसानी से अपना शिकार बना सकती है। यह खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि यह एक मानसिक बीमारी है और लोग आसानी से इसकी पहचान नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें डिप्रेशन के महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में पता ही नहीं होता है, और जो लोग जानते हैं वे लोग अक्सर अपने आप को गलतफहमी में डाल देते हैं। वे बात बात पर अपने आप को डिप्रेशन का शिकार मानते हैं। वे जब भी अपने आप को उदास और हताश महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि वे डिप्रेशन में जा रहे हैं, जबकि उदासी और हताशा महसूस करना बहुत सामान्य और प्राकृतिक लक्षण है। हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हम खुश महसूस करते हैं तो कभी हम दुखी महसूस करते हैं। लगातार मिलती असफलताएं या संघर्ष से हम कई बार निराश भी हो जाते हैं। कई बार हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं, लेकिन यह सब बहुत ही सामान्य है। इसे हम डिप्रेशन जैसी बीमारी से नहीं जोड़ सकते। परंतु अगर आपकी अप्रसन्नता, उदासी या निराशा जैसी भावनाएं कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक लगातार बनी रहती है, तो आपको इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उदासी और निराशा जैसी भावनाएं अगर आपके साथ लंबे समय तक बनी रहती है तो यह निसंदेह रूप से डिप्रेशन हो सकता है। ऐसे स्थिति में अक्सर मन में बुरे बुरे विचार आते हैं। आप अक्सर अपने आप को दुनिया से अलग थलग महसूस करते हैं। बार बार सुसाइडल टॉक्स आते हैं और कई बार आप अपने गुस्से या चिड़चिड़ेपन के कारण अग्रेसिव भी हो जाते हैं। ऐसे में स्वयं के नुकसान के साथ आप दूसरों को भी खतरा पहुंचाने का अंदेश बना रहता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी के प्रति सावधानी बरतें और इसके लक्षणों को पहचान कर इसका इलाज करने पर जोर दें। अब ये डिप्रेशन क्यों होता है, किन परिस्थितियों में होता है, इसके सामान्य लक्षण क्या है और हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, तो इन सब के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्रेशन क्यों और किन परिस्थितियों में होता है और यह आपको कैसे प्रभावित करता है। दोस्तों, डिप्रेशन कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो किसी वायरस संपर्क में आने से अंदर घर कर जाती है। यह एक मानसिक बीमारी है और यह आपको भावनात्मक रूप से प्रभावित करती है। ये धीरे धीरे किसी दीमक की तरह आपके अंदर प्रवेश करता है, जो आपकी सारी खुशी, सारे उमंग, सारे उत्साह को खा जाता है। आप केवल उस अप्रिय भावना को महसूस करते हैं जो आपके डिप्रेशन की मुख्य वजह बनती है। कई बार जीवन में ऐसी बुरी या अप्रिय घटनाएं हो जाती है जो भावनात्मक रूप में हमें बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। हम चाह कर भी उन अप्रिय या बुरी भावनाओं को अपने मन से नहीं निकाल पाते। हम लगातार उस भावना को महसूस करते रहते हैं, जिससे वो हमारे अंदर जड़ बना लेता है और हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। हालांकि कई बार डिप्रेशन जैसी समस्याएं अनुवांशिक रूप से भी हो सकती है। इसके अलावा मस्तिष्क में हार्मोनल चेंजेस या रासायनिक परिवर्तन आने पर भी डिप्रेशन हो सकता है। हालांकि इसकी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि ज्यादातर रासायनिक परिवर्तन हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। अगर आप लगातार अच्छा और पॉजिटिव महसूस करते हैं तो इससे आपके हार्मोन्स में पॉजिटिव चीजें आती हैं। मस्तिष्क की कोशिकाएं भी आपस में तेजी से कनेक्ट होती है, लेकिन अगर आप लगातार बुरा और नेगेटिव महसूस करते हैं तो आपके हार्मोन्स में नेगेटिव चीजें आती हैं। साथ ही मस्तिष्क की कोशिकाएं भी बुरी तरह से प्रभावित होती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है हिप्पोकैम्पस के आकार में कमी आना। हिप्पोकैम्पस आपके मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम का एक हिस्सा होता है, जो आपकी स्मृति और भावनाओं को नियंत्रण करता है। न्यूरोसाइंस के शोध से पता चलता है कि जो लोग डिप्रेस या अवसादग्रस्त होते हैं, उनका हिप्पोकैम्पस सामान्य लोगों की तुलना में छोटा हो जाता है। आप जितना अधिक डिप्रेशन में रहते हैं, आपके हिप्पोकैम्पस का आकार उतना ही छोटा होता है। कई बार यह तनाव लेने से भी प्रभावित होता है।
जो कि अवसाद का महत्वपूर्ण कारक होता है। इसके अलावा आपके मस्तिष्क में होने वाले हार्मोनल चेंजेस का भी तनाव सबसे बड़ा कारण होता है। ये सीधे आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं को दबाने का काम करता है, जिससे आपके मस्तिष्क में नई कोशिकाओं के निर्माण में भारी कमी आती है। यही कारण है कि जो लोग ज्यादा तनाव लेते हैं वे दूसरी तरह की अन्य बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जिनमें अवसाद, थकान, अनिग्रता जैसी समस्याएं मुख्य होती है। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि व्यक्ति को जितना हो सके चिंता या तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह मस्तिष्क को बहुत तेजी से प्रभावित करते हैं। चलिए अब हम उन लक्षणों के बारे में बात करते हैं जिनसे आप ये पहचान सकते हैं कि आप डिप्रेशन के शिकार हैं या नहीं। लेकिन इससे पहले कि हम इसके लक्षणों के बारे में बात करें, उससे पहले आपको तनाव और अवसाद के बीच के मुख्य अंतर को समझ लेना चाहिए, क्योंकि तनाव और अवसाद भले ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए लग सकते हैं, लेकिन इनके बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। जैसे हम तनाव की बात करें तो तनाव किसी भी बाहरी चुनौती या दबाव के कारण उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि काम का बोझ, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का दबाव या रिश्तों में भी इसे देखा जा सकता है। मूल रूप से यह अस्थाई होता है, बाहरी कारक के दूर होने पर यह अपने आप ही कम हो जाता है। लेकिन अगर हम अवसाद की बात कर रहे हैं तो यह एक गंभीर मनोवैज्ञानिक स्थिति है, जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक उदास महसूस करता है और अपनी दैनिक रुचियों को भी खो बैठता है। अवसाद का यह सबसे पहला लक्षण है। इसमें व्यक्ति लगातार बस उदासी और निराशा ही महसूस करता है। उसके जीवन में अगर कोई खुशी भी आए, उस स्थिति में भी उसकी उदासी या निराशा दूर नहीं होती है। अवसाद ग्रस्त लोगों को देखकर ऐसा लगता है मानो वे खुश रहना भूल ही गए हों। हाँ, कई बार वे अपने आप को खुश दिखाने का झूठा दिखावा कर सकते हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से वे खुशी या आनंद जैसी भावनाएं कभी महसूस नहीं कर पाते। वे बस एक उदासीन जिंदगी जीते रहते हैं। यही उदासीनता उनके दैनिक कार्य को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। अवसाद में व्यक्ति की एकाग्रता एकदम कम हो जाती है। वे किसी भी कार्य को करने या सीखने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। अगर हम अवसाद के इन लक्षणों को अलग अलग रूप में देखें तो ये मुख्य रूप से आपको दो स्तर पर प्रभावित करते हैं। पहला, भावनात्मक स्तर पर, और दूसरा शारीरिक स्तर पर। भावनात्मक लक्षण की बात करें तो इसका सबसे मुख्य लक्षण है उदासी, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं। अब दूसरे लक्षण की बात करें तो दूसरा लक्षण है रुचि में कमी आना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। जब आप डिप्रेशन में होते हैं, आप हर चीज में अरुचि महसूस करते हैं। ना आपको किसी से मिलना अच्छा लगता है, ना आपको किसी से बात करना अच्छा लगता है। यहाँ तक कि आपको उन चीजों को करने का भी मन नहीं होता जिसमें कभी आपने इंटरेस्ट दिखाया था, जो आपका मन पसंदीदा काम था। आपका सारा दिन घर के चार दीवारी के अंदर बस उदासी में गुजरता है। खुश रहना या जीवन का आनंद लेना तो जैसे आप भूल ही चुके हैं। तीसरा लक्षण है चिड़चिड़ापन या बेचैनी। ये लक्षण सबसे ज्यादा किशोरों या युवाओं में देखने को मिलता है, जो उनके व्यवहार में भी देखा जा सकता है। वे छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ापन महसूस करने लगते हैं। कई बार तो वे आक्रामक भी हो जाते हैं, अपने आप को बेचैन और अधीर महसूस करते हैं। उनका ध्यान कभी एक जगह पर नहीं टिकता। ऐसे लोगों में एकाग्रता की भारी कमी देखी जा सकती है। चौथा लक्षण, अपराध बोध या बेकार महसूस करना। ओवरथिंकिंग इस बीमारी का सबसे प्रभावकारी लक्षण है, जिसमें आप अक्सर अपने आप को बेकार और वर्थलेस समझते हैं। अपराध बोध से घिरे रहते हैं, जिससे आपको आत्महत्या जैसे विचार भी आने लगते हैं। मेरी जिंदगी बेकार है, मैं किसी काम का नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। इन नकारात्मक और बेमतलब के विचारों के अलावा आप कुछ और सोच ही नहीं पाते। परिणाम यही होता है कि आपकी यह ओवरथिंकिंग अक्सर आपको तनाव ग्रस्त कर देती है, जिससे आप और अधिक डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगला लक्षण है भूख में परिवर्तन आना। शारीरिक लक्षण के रूप में डिप्रेशन या अवसाद का यह एक मुख्य लक्षण है।
जिससे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो लोग अवसाद ग्रस्त होते हैं उनकी भूख निश्चित नहीं होती है। वे जब खाना खाने बैठते हैं तो या तो वे बहुत अधिक खा लेते हैं या फिर बिल्कुल ही कम कर देते हैं। हालांकि उन्हें स्वाद अस्वाद में कोई रुचि नहीं होती। उन्हें जैसे खाना मिल जाता है वे चुपचाप खा लेते हैं। हाँ, कभी कभी खाने को लेकर इनमें अनियमितता जरूर देखी जा सकती है। अगला लक्षण है नींद में समस्या आना। अवसाद से ग्रसित लोगों में नींद की समस्या सामान्य रूप में देखने को मिलती है। ऐसे लोग अनिद्रा या अधूरी नींद जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। वे सोना चाहते हैं तो रात भर बस करवट बदलते रहते हैं। कभी इस छोर, कभी उस छोर, कभी इस करवट तो कभी उस करवट। कई बार नींद ना आने की वजह से उनकी ओवरथिंकिंग भी हो जाती है, क्योंकि वे इस समय भी अपने लिए कुछ ना कुछ नकारात्मक ही सोच रहे होते हैं। हालांकि कई मामलों में यह समस्या अधिक नींद के रूप में देखी जाती है। तात्पर्य यह है कि जब आप डिप्रेशन में होते हैं तब आपकी नींद का कोई भी निश्चित पैटर्न नहीं होता। या तो आप बिल्कुल ही कम सोते हैं या फिर आप बहुत ही ज़्यादा सोते हैं। नींद का यही अनबैलेंस पैटर्न आपके शरीर को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है, जिससे आप लगातार आलस और थकान महसूस करते हैं, जो कि डिप्रेशन के मुख्य लक्षणों में से एक है। तो हमारा अगला लक्षण है आलस और शारीरिक थकान महसूस करना। आप सब जानते हैं कि जब मनुष्य का मस्तिष्क नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव उसके शरीर में भी देखने को मिलता है। यही कारण है कि डिप्रेशन यानी अवसादग्रस्त लोगों में शारीरिक थकान और आलस जैसी समस्या मुख्य रूप से देखी जाती है। ऐसे में लगातार शारीरिक ऊर्जा की हानि महसूस करते हैं। कई बार सिर दर्द और अन्य शारीरिक दर्द जैसी समस्याएं भी महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे शरीर का पुर्जा टूट रहा है। आपकी शारीरिक शक्ति पूरी तरह से शिथिल हो जाती है। अगर आप डिप्रेशन के सीरियस स्टेट डिस्थीमिया में हैं, तो संभावना है कि आप बहुत जल्द बिस्तर पकड़ लेंगे। यह सच में एक बहुत खतरनाक बीमारी है। ये आपके मन मस्तिष्क के साथ साथ पूरे शरीर को प्रभावित करती है। लॉन्ग टर्म में आप इसके नुकसान को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। हालांकि अगर आप समय रहते अपने डिप्रेशन फेज को पहचान लेते हैं और समय रहते ही उसका इलाज करते हैं, तो आप ऐसी गंभीर मानसिक और शारीरिक बीमारी जैसी समस्याओं से अब आप अपने डिप्रेशन फेज को कैसे पहचानेंगे, तो इसके लक्षण आप जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की और उन सॉल्यूशंस की, जिसकी मदद से आप अपने आप को मेंटली स्टेबल कर सकते हैं और डिप्रेशन जैसी मेंटल डिसऑर्डर बीमारी से निजात पा सकते हैं। हालांकि शोध बताते हैं कि भारत में डिप्रेशन जैसी बीमारी को लेकर लोगों में बहुत कम जागरूकता देखने को मिलती है। बहुत से लोगों को तो यह पता ही नहीं चलता कि वे ऐसी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, लोग पागल तक हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी यह समझ में नहीं आता कि उन्हें डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारी है। और जिन्हें समझ में आता है वे ऐसी जगहों में रह रहे होते हैं जहां साइकाइट्रिस्ट या मेडिकल हेल्प जैसी सुविधा ही नहीं होती। इसलिए वे बिना इलाज करवाए जीवन भर अपनी इस बीमारी से संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें और डिप्रेशन के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाएं, तो आप स्वयं भी अपने डिप्रेशन का इलाज कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से एक्सरसाइज करना, मेडिटेट करना, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना आदि टेक्निक्स शामिल है। हालांकि अगर आप डिप्रेशन के सीरियस स्टेट में हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको साइकाइट्रिस्ट या किसी डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि सीरियस स्टेट में आपके मस्तिष्क में जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो बहुत तेजी से प्रभावित होता है। इसमें आपके मूड को बेहतर करने वाले सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन जैसे हॉर्मोन्स तेजी से घटने लगते हैं, जिसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको डॉक्टर और उनकी दवाइयों की जरूरत पड़ती है। SSRI यानी
सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिओप्टिक इनहिबिटर और SNRI यानी सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन जैसी कई एंटी डिप्रेसेंट दवाई जो डॉक्टर्स ऐसे मरीजों के लिए कंसल्ट करते हैं। ये दवाई आपके मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर यानी कोशिका तंत्र को फिर से कनेक्ट करता है, जिससे आपके मस्तिष्क में नई कोशिकाओं का उत्पादन बढ़ जाता है और अपने मस्तिष्क में एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वह है साइकोथेरेपी, जिसे साइकाइट्रिस्ट या मनोचिकित्सक डिप्रेशन के इलाज के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे प्रमुख थेरेपी है CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है। इस थेरेपी में साइकाइट्रिस्ट मरीज को 1-to-1 यानी पर्सनल कंसल्ट करते हैं और साइंटिफिक तरीके से उनके साथ एक सकारात्मक संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो मरीज के नेगेटिव थॉट पैटर्न, उसकी फीलिंग्स और उसके बिहेवियर को जान सके। इसके बाद उनके नेगेटिव थॉट्स को चुनौती देकर पॉजिटिव थॉट्स में बदलने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा CBT में मरीज के उन व्यवहारों को भी बदलने की कोशिश की जाती है जो उनके अवसाद को बढ़ा देता है, जैसे लोगों से ना मिलना, बात ना करना आदि। अगर एक व्यक्ति जो अवसाद की बीमारी से जूझ रहा है और इससे मुक्ति पाना चाहता है, तो इसमें CBT जैसी थेरेपी उसके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती है। हालांकि अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन के इनिशियल फेज में हैं और आप इस समस्या को खुद से दूर करना चाहते हैं, तो हम आपको आगे इसके तरीकों या समाधान के बारे में भी बताएंगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग डिप्रेशन के सीरियस स्टेट में हैं, वे इन तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ, बस उन्हें ये याद रखना होगा कि वे अपनी बीमारी का स्वयं इलाज करने से पहले एक बार किसी साइकाइट्रिस्ट या मनोचिकित्सक को भी जरूर कंसल्ट करें। चलिए अब हम उन तरीकों यानी समाधान के बारे में बात करते हैं, जिन्हें अपने जीवन में अमल करके आप अपने आप को डिप्रेशन जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है अपने लक्ष्यों पर काम करें। आपको शायद ये अंदाज़ा ना हो, लेकिन आज देश में ऐसे लोग भी बहुत बड़ी तादाद में हैं जो अपना जीवन बिना किसी लक्ष्य के जी रहे हैं। दरअसल लोगों को अपने जीवन से शिकायतें ही इसलिए होती है क्योंकि वे अपने लिए कभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते। जीवन में लक्ष्य का ना होना एक इंसान को निरुद्देश्य बना देता है, और जब एक इंसान के जीवन में उद्देश्य की कमी हो जाती है तो वह अक्सर उन नकारात्मक एहसासों का गुलाम हो जाता है, जिसमें वह अपने आप को बेकार समझने लगता है। यही आगे चलकर उसकी ओवरथिंकिंग का रूप ले लेती है, जो डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण बनती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर पूरी फोकस से काम करते रहें। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, तो सबसे पहले अपने लिए एक लक्ष्य सुनिश्चित कीजिए और अपने आप को पूरी तरह से उस लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दीजिए। अपने लक्ष्य के लिए काम करते हुए आपको बेमतलब के विचारों के लिए समय ही नहीं मिलेगा और आप हमेशा उस मेंटल स्टेट से दूर रहेंगे जो आपको डिप्रेशन के करीब ले जाता है। दूसरा तरीका, सकारात्मक सोच विकसित करें। दोस्तों, डिप्रेशन में जाने का सबसे मूल कारण आपकी अपनी ओवरथिंकिंग होती है, जो हमेशा नकारात्मक विचारों से भरी होती है। आप जितना अधिक इन नकारात्मक विचारों के बारे में सोचते हैं, आपके डिप्रेशन में जाने की संभावनाएं उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप हमेशा सकारात्मक सोचें और एक सकारात्मक सोच विकसित करें। सकारात्मक सोच एक ऐसी दवा है जो कैंसर जैसी बीमारी तक ठीक कर सकती है। मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से सकारात्मक सोच और विचार बहुत मायने रखते हैं।
क्योंकि सीधे तौर पर आपकी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। आप अच्छा और सकारात्मक सोचेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे। इससे आपका मूड बेहतर रहेगा और आपका मस्तिष्क हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने आसपास ऐसे लोग को रखें जिनसे आपको सकारात्मक विचार मिलते हैं। ऐसे लोगों, ऐसी किताबों को पढ़ें जिनसे आपको सकारात्मक ज्ञान मिलता है। हमेशा अपने आप को मूल्यवान ही समझें। मैं बहुत अच्छा हूँ, अपने काम में पूरी तरह से परफेक्ट हूँ। अपने लिए ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस का प्रयोग करें। इसके अलावा ग्रैटिट्यूड यानी दूसरों को आभार व्यक्त करने की आदत भी जरूर डालें, क्योंकि यह एक ऐसी भावना है जिससे आपकी सकारात्मकता कई गुना तेजी से बढ़ेगी। तीसरा तरीका, एक्सरसाइज करें। हम सब यह जानते हैं कि एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कितना अहम भूमिका निभाता है। यह आपके शरीर को हमेशा ऊर्जा से भरपूर रखता है, जिससे आप दिन भर तरोताजा महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक्सरसाइज करना सिर्फ शारीरिक दृष्टि से ही लाभदायक नहीं है, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टि से भी उतना ही लाभदायक है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन नामक हार्मोन्स रिलीज होता है, जो आपके प्लीजर एक्सपीरियंस को बढ़ावा देता है। इससे आपका मूड बेहतर रहता है और आप हमेशा अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज जैसे फिजिकल एक्टिविटीज शामिल करके आप अपने आप को डिप्रेशन से बचाए रख सकते हैं। चौथा तरीका, मेडिटेशन करें। दोस्तों, मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका आपके स्वास्थ्य पर बहुत शक्तिशाली ढंग से प्रभाव पड़ता है। शोध बताते हैं कि जो व्यक्ति डेली बेसिस पर मेडिटेशन या ध्यान करता है, उसकी मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमता सामान्य स्वस्थ लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा अधिक होती है। ध्यान करने से आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे भावनाओं और विचारों में स्थिरता आना, एकाग्रता में वृद्धि होना, रिलैक्स महसूस करना। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं और अपने आप को डिप्रेशन जैसी समस्याओं से दूर रखना चाहते हैं, तो आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन करने से आपके मस्तिष्क में डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो न केवल आपको चिंता और ओवरथिंकिंग से दूर रखते हैं, बल्कि यह आपको पहले से भी अधिक खुशी और शांति प्रदान करते हैं। इसलिए हर किसी को अपने दिनचर्या में मेडिटेशन को शामिल जरूर करना चाहिए। पांचवा तरीका, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद लें। दोस्तों, जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, उनमें अक्सर खाने पीने और नींद की समस्या पाई जाती है। लेकिन दोस्तों, कई बार यह स्थिति विपरीत भी हो सकती है, क्योंकि देखा गया है कि सही हेल्दी डाइट और पर्याप्त नींद न लेने की वजह से लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। वे अक्सर अपने आप को अनहेल्दी महसूस करते हैं, जिससे उनका मूड हमेशा खराब ही रहता है और वे कुछ भी ऊट पटांग सोचने लगते हैं। इसलिए एक व्यक्ति जो स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, उसे अपनी सही डाइट और अच्छी नींद का पूरा ख्याल रखना चाहिए। अगर आप नियमित रूप से एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं, तो आप अपने शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य को आसानी से बेहतर बना पाएंगे। याद रखिए, एक बेहतर स्वास्थ्य आपको कभी भी बीमार होने नहीं देता, ना शारीरिक रूप से और ना ही मानसिक रूप से। इसलिए आपको अपने दिनचर्या में सही डाइट और पर्याप्त नींद का ख्याल भी जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, ये कुछ चुनिंदा और जरूरी एक्टिविटीज थी जिससे आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को उन सिम्टम से दूर रख सकेंगे जो डिप्रेशन या दूसरी तरह के मानसिक बीमारियों को न्योता देता है। किसी भी बीमारी से बचने का सबसे पहला और सबसे सरल तरीका यही है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से। अगर आप इस वीडियो में बताए हुए एक्टिविटीज को महत्व देते हैं और उन्हें अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो यकीन मानिए, डिप्रेशन
डिप्रेशन जैसी बीमारी आपको कभी छू भी नहीं पाएगी, बशर्ते आपको इसे पूरी ईमानदारी से फॉलो करना होगा। वैसे भी डिप्रेशन आपकी सोच की बीमारी है। सोच बदलने पर आप बीमारी को अपने आप ही खत्म कर सकते हैं। अपने जीवन में तमाम तरह के उतार चढ़ाव के बाद भी यह केवल आपकी सोच ही है जो आपको भावनात्मक स्तर पर मजबूत बनाए रख सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप अपनी सोच को महत्व देते हैं और केवल उन सकारात्मक पहलू के बारे में सोचते हैं जिनसे आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, तब आप अपनी सभी नकारात्मक भावनाओं पर जीत हासिल कर सकते हैं। आप एक ऐसे मेंटल स्टेट में पहुंच जाते हैं जहां कोई भी नकारात्मक भावना आप पर कभी हावी नहीं हो सकती। हो सकता है विपरीत परिस्थितियां होने पर आप बुरा और दुखी महसूस करें, पर ये भावनाएं कभी भी स्थायी नहीं रहेगी। अंतः अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बाद आप अपनी सोच पर जरूर काम करें, क्योंकि ये आपकी विस्तृत और सकारात्मक सोच ही है जो आपको हर तरह की समस्याओं से उबरने में आपकी मदद करती है। धन्यवाद दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि आप जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे चैनल पर आगे भी इस तरह से उपयोगी वीडियो देख सकें और उनसे कुछ सीखकर अपने जीवन को बेहतर बना पाएं। धन्यवाद।